चिकन और बीफ भूल जाएं, दाल रोटी भी महंगी, महंगाई के यक के बाद दीगरे झटके, गरीब कहां जाएं। आटे का 20 किलो का थैला 20 रुपए महंगा, दाल चना और काली मिर्च 7 रुपए फी किलो महंगी, सब्जी और घी की कीमतें भी आसमान पर, शहरी महंगाई के सुनामी के सामने बेबस। हर रोज एक के बाद एक चीज महंगी होने लगी, कल घी महंगा हुआ, आज चने की दाल और काली मिर्च को आग लग गई। ब्रॉयलर 220 रुपए फी किलो पर फरोख्त, कीमत में 3 रुपए की मामूली कमी, आम आदमी की पहुंच से फिर भी दूर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज मौखर, कौमी असेंबली के बाहर मैदान लगाने का प्रोग्राम, एहतजाज का प्लान मुलतवी होने पर पंजाब असेंबली के दरवाजे खोल दिए गए, सिक्योरिटी के तहाल सख्त इंतजामात, भारी नफरी मौजूद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और एहतसाब अदालत का रिमांड हाई कोर्ट में चैलेंज, आईन के आर्टिकल 248 के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, दरख्वास्त गुजार। मंशा बम फरार, पुलिस बेबस, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 10 रोज बाद भी मुलजिम हाथ ना आया। पुलिस ने मंशा बम और उसके बेटों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों से मदद मांग ली। मंशा बम के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा, अदम पेशी पर मॉडल टाउन कचहरी ने मंशा बम और उसके बेटों के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, 13 अरब 73 करोड़ रुपए की 1349 कैनाल अराजी वागुजार, जिला इंतजामिया ने सरकारी अराजी वागुजार कराने की रिपोर्ट जारी कर दी। एलडीए की 182 कैनाल, महकमा जंगलात की 354 कैनाल, रिंग रोड अथॉरिटी की 663 कैनाल और रेवेन्यू की 194 कैनाल अराजी वागुजार कराई गई। पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा अमल दरामद के लिए कल आला सतह का इजलास तलब, वज़ीर आज़म इमरान खान की मंसूबे पर बिला ताखीर इकदामात शुरू करने की हिदायत। पायलट प्रोजेक्ट के लिए फैसलाबाद शहर का इंतखाब, शहर में घरों की तामीर के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफद की सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, सीनियर वजीर पंजाब और आलमी बैंक के वफद का आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास का फैसला। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर में मजबूत मनसूबाबंदी से मईशियत मजबूत होगी, तरक्याती प्रोग्राम का 30% हिस्सा बल्दियाती नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। हाईकोर्ट के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, अदालत आलिया के मुलाजमीन को सरकारी घर अलॉट करने की समरी, वजीर आला पंजाब को इरसाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का अदालत में जवाब जमा। अदालत ने 5 नवंबर को अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। नामजद चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक का अहम फैसला, जजेस की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को अदालत के हसास मुकामात पर तैनात करने का हुक्म, सिक्योरिटी एहलकार अदालती वक्त के दौरान फारिग बैठे रहते हैं, इस दौरान हसास मुकामात पर ड्यूटी दें, जस्टिस अनवारुल हक का हुक्म। छह अफराद के कत्ल का केस, एमएनए आबिद रजा की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने मुद्दई से राजीनामे की बुनियाद पर बरी किया आबिद रजा का मौकिफ, ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। 3 बच्चों को कत्ल करने वाली संगदिल माँ का मामला, अनिका ने तीनों बच्चों को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया, बच्चों को रात के अंधेरे में मुंह पर जायनमाज रख कर मारा, पुलिस ने मुलजिमा अनिका के खिलाफ चालान सेशन कोर्ट में जमा करा दिया। 76 वकला की डिग्रियां जाली करार, पंजाब बार काउंसिल ने जाली और बोगस डिग्री रखने वाले वकला की लिस्ट जारी कर दी। नए भर्ती होने वाले सिविल 21 जजेस के वफद का जिला कचहरी का दौरा, जिला कचहरी की अदालतों और ब्रांच सेंटर के हिस्से देखे। स्कैंडल क्वीन मीरा का एक और स्कैंडल, डिफेंस में शहरी का अदाकारा पर घर पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम, शहरी की सिविल कोर्ट में मीरा से कब्जा वागुजार कराने की इस्तदा।
पाबंदी का शिकार अहमद शहजाद के लिए गोल्डन चांस। डूब टेस्ट में चार माह की पाबंदी के बावजूद अहमद शहजाद पीएसएल 4 में शामिल। अहमद शहजाद को गोल्ड कैटेगरी में शामिल किया गया।